और अभी हम आए हैं पीयू के स्कूल से और साथ ही साथ हमने बनाए हैं सूपी नूडल्स। दिखाती हूँ आपको सूपी नूडल्स। हमने इसमें डाले हैं सूप के साथ बनाए नूडल्स, मैगी डाली है और जो सूप आते हैं उसका पैकेट जो मैगी आता है अंग्रेज आ गए बेचारे। घर में जाता डॉगी पालने का नतीजा बच्चों की क्या हरकतें स्टार्ट हो जाती है। ये तो पानी भी ऐसी पीते हैं सिलवाई जैसी। मत छेड़ना बेटा से पीने में सूप चम्मच से पिया जाता पीहू। मैं पीने नहीं दूंगा इसको, मैंने मैगी मोर की डाली। चलो आराम से खाओ बेटा, अच्छा हो रहा है। देखिए घर में डॉगी पालने का फायदा, बच्चों को ना चम्मच की जरूरत नहीं है। किस तरह से पीते हैं फिर, कैसे पी रहे थे तुम शेरों की तरह? और ऐसे तो बेटा तुम्हारे पास चम्मच भी था, चम्मच से भी तो पी सकते हो। मत करो बेटा ऐसे, तुम्हें तो ज्यादा सूप पीना था ना। मैं सूप पी नहीं पाया, डाल दिया मम्मी में मैगी भी डाल दी है। तूने खाया क्या फिर? अरे यार दुखी बेटी है तू, मैगी नहीं डाली खाली। नहीं खानी है, कल फूल खेले ही नहीं हमने, कल हमें पता ही नहीं था फुलिया त्यौहार का। हमारे उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है फुल डे, तो कल हमें याद ही नहीं रहा किसी को। मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे तो पता चला। आज हम आए हुए मम्मी के घर और आज हम यहाँ एक चीज़ बना रहे हैं। सारे हम बैठे हुए हैं, ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है और यहाँ बन रही है ये गुजिया। ये देखिए अभी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, अब बन रहा है सब खाना और मतलब गुजिया। होली की तैयारी चल रही है तो और साथ ही साथ हाँ पीयू को सब पता रहता है। 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। चलो देखते हैं कैसी बनती है। आज हम जाएंगे के और साथ ही साथ बैठे हैं हमारे बच्चे सोते हुए इन्हीं के साथ में, क्योंकि देखता रहता ना सही बन रहा है नहीं बन रहा है। स्टार्ट। चलो हम झोड़ा दिखाते हैं। हम झोड़ा झोड़ा क्या होता है? झोड़ा बेरी बेरी को झोला योनि गंगा को देवो नाला। गाओ गाओ तो गाइस ये अभी सो रहे हैं, ये है डेजी, ये है कैन वो ब्लैकी। और आपको एक और दिखाते हैं और ये है एक हमारे बाहर के पिल्ले। देखो एक हमारे दरवाजे के सामने सो रखा है और एक हेरा। नहीं ये तो हमारे सूटू है, घर की हमारे सूटू है और ये है बाहर के कुत्ते डॉगेस। तो अभी तो बहुत है डॉगेस, तो गाइस चलो हम अंदर चलते हैं। तो गाइस ये रे अब ये सो गए हैं तो हमें इसे इन्हें परेशान नहीं करते। ये हमारे क्रैशू, ये हम बना रहे हैं गुजिया बना रहे हैं, दिखाते ये है नानी और शीरो। ये कौन है? आंटी है। लो 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 देखो 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 ये हमने करे ज़ूम और ये देखिए और ये मम्मी। हाँ मम्मी बेले जा रही है और एक मम्मी बनाते जा रही है। तो चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में।
तो अब आंटी अपने घर जा चुकी है और हम छील रहे हैं मटर। मम्मी और पीहू छील रहे मटर, मैं भी छील रही थी बट मैं व्लॉगिंग करने लगी। और ये मम्मी है, ये पीहू है, दोनों ये छील रहे हैं मटर सब्जी बनाने के लिए। आज हम बनाएंगे आलू मटर। ये शिरवा बैठा है, अभी थोड़ी देर में मैं भी घर जाऊंगी। और आज हमने यहाँ बनाई है गुजिया, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, हम खा भी चुके हैं, थोड़ी सी पूजा के लिए निकाल लिए, बाकी खाने के लिए हमने खा लिए। और कल हम जाएंगे आंटी के घर अपने, और वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कुछ नया, ब्लॉग में कुछ नया दिखाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने आसपास के पशु पक्षियों का ख्याल रखें। और गर्मियाँ ज़्यादा है जैसे कि आप जानते हैं, तो छत पर और घर के बाहर थोड़ा सा पानी रख दीजिए, क्योंकि डॉग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, जिस वजह से वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी गायों को और थोड़े डॉगीज़ को पानी दीजिए, और तब तक के लिए आप सभी को हम करते हैं बाय बाय। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो